नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की जो ये वीडियो है इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि किन चीज़ों के साथ अगर आप शहद मिलाकर खाते हैं तो वह शहद एक जहर के समान बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार शहद अमृत के समान है। शहद खाने से सेहत को ढेर सारे लाभ होते हैं, लेकिन शहद को सही तरीके से लेना काफ़ी ज़रूरी माना जाता है, तभी यह आपको स्वास्थ्य लाभ देगा। नहीं तो इसे गलत तरीके से खाने से यह शरीर को आपके नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो आइए जानते हैं शहद को किन चीज़ों के साथ नहीं लेना चाहिए, नहीं तो यह शरीर के लिए किसी जहर से कम नहीं बनेगा। शहद हमेशा शुद्ध ही खाना चाहिए। चलिए जानते हैं किन किन चीज़ों के साथ शहद को मिलाकर कभी नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे में शहद को कभी भी गर्म आँच पर पका कर नहीं रखना चाहिए, इससे यह सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तेल या मक्खन में शहद मिलाने से यह सेहत के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। शहद को कभी भी गर्म खाद्य पदार्थों के साथ मिलाकर नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों शहद को मांस और मछली के साथ लेना भी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों शहद को एक से ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से बचना चाहिए। अगर आप एक साथ ज़्यादा मात्रा में शहद को खाते हैं तो इससे सेहत को नुकसान ही होता है। शहद दिन भर में 2 या 3 बार एक चम्मच मात्रा में ही लेना चाहिए। इसके अलावा शहद को कभी भी घी या दूध में बराबर मिलाकर नहीं लेना चाहिए। ये एक विशेष टिप्स है दोस्तों, जो आपको खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा शहद में चीनी मिलाकर लेने से भी यह विष की तरह काम करता है। कभी भी आपको कॉफ़ी या चाय में शहद मिलाकर नहीं पीनी है, इससे भी शरीर को काफ़ी नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। लेकिन शहद को खट्टे फल अंगूर अमरूद और गन्ने के जूस के साथ लेने से थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों ये थे वो पदार्थ जिनको अगर आप शहद के साथ मिलाकर इनका यूज़ करते हैं तो ऐसे में जो शहद है आपकी वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।